और मेरे चटोरी बाजार के चटोरों, कैसे हो आप? तो चलो, आज मैं आपके लिए लाई हूँ तंदूरी चाय। तो हो जाए एक शाम चाय के नाम। आज हम बनाएंगे तंदूरी चाय। और तंदूरी चाय बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। अब उसमें मैं डालूंगी एक कप पानी। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ और 2 पिंच दालचीनी का पाउडर और इलायची का पाउडर। इन सब चीज़ों को मैंने कूट कर पाउडर बनाकर रख लिया है। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप साबुत दालचीनी को का छोटा सा टुकड़ा और 2 हरी इलायची लेकर कूट कर डाल दीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि पानी में सारा फ्लेवर इन मसालों का और अदरक का आ जाए। गैस की लो को भी धीमा कर देंगे। ये धीमी धीमी गैस पर बहुत अच्छे से पक जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही चाय की पत्ती और फिर से इनको अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे देश में चाय बहुत पसंद की जाती है। अब तो वैसे भी सर्दी आ रही है तो लोग चाय बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ गर्मी हो या सर्दी हो, सभी लोगों की दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। अब हमारी चाय बहुत अच्छे से पक गई है और लगभग मैंने इसको 2 मिनट के करीब अच्छे से पकाया है। अब इस स्टेज पर हम दूध डालेंगे। अब मैं इसमें 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली चाय पीने में अच्छी नहीं लगती है। और 1 कप मैंने इसमें पानी डाला था। आपके यहाँ पर जितनी गाढ़ी पतली पसंद करते हैं आप उस हिसाब से भी डाल सकते हो। इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। सर्दियों में चाय सबको बहुत अच्छी लगती है और मेरी तो ये फेवरेट ड्रिंक है। और दोपहर के समय, शाम के समय तो सब लोग चाय जरूर पीते हैं। और सुबह के समय तो ऐसा कोई इंसान होगा जो चाय का इस्तेमाल ना करता हो। अब हम इसको कम लगभग 3 मिनट के करीब और अच्छे से पकाएंगे। ये देखना फ्रेंड्स, हमारी चाय बहुत अच्छे से पक गई है और ये पक पक कर बहुत गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसको दूसरी गैस पर 2-4 सेकंड के लिए पकने के लिए रख दूंगी। और इस गैस पर हम अपने कुल्हड़ को गर्म करेंगे जिससे कि तंदूरी चाय अच्छे से बन जाए। मैंने यहाँ पर एक कुल्हड़ ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। ये देखना फ्रेंड्स, इसको हम उलटते पलटते चारों तरफ से बहुत अच्छे से गर्म करेंगे और इसको इतना इतना ज़्यादा गर्म करेंगे कि ये एकदम से लाल हो जाएगा और इसमें अब जब हम चाय डालेंगे तो उबलने लगेगी। इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। और इसको पकाने में भी लगभग हमें 1 मिनट का समय लग जाएगा। बस अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी क्योंकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हमारा कुल्हड़ भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने कुल्हड़ को एक अलग पैन में रख दिया है। अब हम इसके ऊपर चाय को डालेंगे और आप देख सकते हो ये कितनी उबल गई है क्योंकि कुल्हड़ हमारा बहुत अच्छे से तंदूर हो गया था और मिट्टी की भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए ढक देंगे क्योंकि इसमें तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी चाय को कुछ सेकंड बाद ही छान ली है और अब ये पीने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक यू।